छोटा है बट ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा है। बस ने जो है पूरा हमारा व्यू जो ब्लॉक करके रखा हुआ है। जाने दो, मान नहीं रहे हैं भैया। अगर तुम मानोगे नहीं तो फिर हम जाएंगे कैसे? मनाना तो तुम्हें पड़ेगा। लेट्स टेक रिएक्शंस। गोवा को जाने के लिए कौन सा रोड है? रोड अच्छा है क्या यहाँ से? अभी 6 किलोमीटर खराब है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा रोड दिख रहा है, 200 या 300 मीटर का बात है। नाउ ऐसा कुछ रोड है, खाना नहीं खाया लेकिन पेट भर गया जैसे ही मैंने यहाँ से राइड किया। वाइल्ड एनिमल्स क्रॉसिंग, ड्राइव स्लोली। नाउ हम गोवा तो जा रहे हैं लेकिन स्मॉल रोड से जाएंगे, और यहाँ से जो है वो गोवा है अराउंड 90 किलोमीटर और एनर्जी लेवल इज 0। तो भूख लगी है, लगभग 2:45 बज चुके हैं, 2:45 हो चुके हैं। मेरे पास पानी के सिवा कुछ नहीं है और आसपास कोई भी होटल या फिर कोई रेस्टोरेंट भी नहीं है। आई हैव दिस चॉकलेट जो मेरे सिस्टर ने मुझे आते समय दिया था और उसने मुझे विश किया था फॉर हैप्पी जर्नी। इसको खाएंगे अभी। और यहाँ से जो है वो रोड ऐसे ही है, मौसम भी ऐसा ही है। जहाँ पे आज हम जाने का सोचे हैं शायद वहाँ पे ना पहुँच पाए। यहाँ पे थोड़ा देर रुकता हूँ मैं और फिर कंटिन्यू करते हैं अपनी राइड को। बट रोड छोटा है बट ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा है। मैंने थोड़ा सा एक छोटा ब्रेक लिया जहाँ पे मैंने एक चॉकलेट ख़त्म किया और पानी थोड़ा सा पी लिया। एक पंछी मेरे हेलमेट को टकरा के चला गया। पंछी कुछ नहीं हुआ, मेरा हेलमेट थोड़ा सा टेढ़ा हुआ, एकदम हल्का सा टच करके गया क्योंकि मैं भी स्पीड में था और पंछी भी। वी बोथ आर सेफ। सो इट इज़ अ खानापुर बेलगांव शांति निकेतन पब्लिक स्कूल। तो यहाँ पे हूँ मैं अभी, मेरे को पढ़ने आया ये लैंग्वेज, अच्छा लगा। एक्चुअली हम बेलगांव से आगे आए थे हाईवे से, तो वहीं पे मिस्टेक हुआ। बेलगांव से ही अंदर जाना चाहिए था हमें। ये क्या है, इज इट अ हाईवे? इसके लिए कौन सा हाईवे है ये? क्या मेरे को जाने के लिए है ये हाईवे? लेट्स टेक रिएक्शंस। कौन सा हाईवे है पता नहीं मुझे। ये ऊपर का हाईवे कौन सा है देखें। कौन सा रोड है ये? गोवा से इधर किधर जाता है? रामनगर। गोवा को जाने के लिए कौन सा रोड है? थोड़ा सा दूर जैसे ही मैं आया, पता नहीं ये तालाब है या फिर रिवर। यहाँ से अराउंड 55 किलोमीटर गोवा बॉर्डर लगेगा। सो हम महाराष्ट्र से कर्नाटक और कर्नाटक से अब फिर गोवा, गोवा से फिर कर्नाटक जाने वाले हैं। वेलकम गाइस, हम पहुँच चुके हैं जंगल में। रोड सिंगल रोड है बट अच्छा है, 3-4 किलोमीटर भी ख़राब भी है। यहाँ पे कहाँ पे रहते होंगे लोग? बस ने जो है पूरा हमारा व्यू जो ब्लॉक करके रखा हुआ है। जाने दो, मान नहीं रहे हैं भैया।
अगर तुम मानोगे नहीं तो फिर हम जाएंगे कैसे? मनाना तो तुम्हें पड़ेगा। यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, पूरा जंगल है। मैं चाहूँगा कि मैं गोवा से निकल जाऊँ। वाइल्ड एनिमल्स क्रॉसिंग, ड्राइव स्लोली। क्या पता नहीं, दिस इज गोवा रोड इज क्लोज फ्रॉम इवनिंग 6। यहाँ से गोवा कितने किलोमीटर है? 2 घंटा जाएगा। 2 घंटा जाएगा क्या? रोड अच्छा है क्या यहाँ से? अभी 6 किलोमीटर खराब है। ठीक है, थैंक यू। कमर खराब, रोड बहुत खराब था यहाँ पे। ऐसा लग रहा है रुक के यहाँ पे थोड़ी देर बैठ जाऊँ, बट ये होने से रहा नहीं। यहाँ पे दिक्कत क्या है कि अगर मैं अच्छे से रोड से आ जाता हूँ और अचानक, या फिर ऐसे रोड्स बीच में आ जाएंगे तो दिक्कत होगा। पता नहीं आगे और कितना रोड ऐसा ही खराब है। कोई तो हमारे जैसे पागल दिखे, अच्छा लगता है। बट वो दो लोग थे जो राइड कर रहे थे। अच्छा रोड आ जाए बाबा, अच्छा रोड आ जाए। थोड़ा भगवान का शुक्र है इस खराब रोड में और जंगल में कुछ हुआ नहीं। अभी तक सब कुछ सही, 100% सही चल रहा है। अच्छा रोड दिख रहा है, 200 या 300 मीटर का बात है। MH-14 इज फ्रॉम पुणे और उन्होंने हाथ भी किया था, अच्छा लगता है। ओके नाउ हम हैं अच्छे रोड पे। हम फिर से वापस अच्छे रोड पे। सो समझ रहा हूँ, 6 किलोमीटर का वैसा खराब रोड हमने क्रॉस किया। हमारा लगेज भी ठीक है, अच्छा लगता है। अगर कोई हमें हाथ वगैरह करता है या फिर ऐसा, थोड़ा सा फिर से एनर्जी आ जाता है, 100% एनर्जी आ जाता है। और उन्होंने तो कांच नीचे करके हमें हाथ दिखाया। अब आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं है। जो छोटी सी कार थी पीछे रह गई है अभी। ओहो, नाउ आई नीड टू बी केयरफुल। सूरज की किरणें दिख रही हैं यहाँ पे, तो मतलब आगे जो है रास्ता साफ साफ। वाह, बहुत टाइम के बाद सूर्य देवता हमें दिखाई दिए, बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा कर्वी रोड्स, तो हम अब थोड़ा सा नीचे जाते हुए और शायद ये जंगल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये जंगल बहुत बड़ा लगा, बहुत डिस्टेंस कवर किया यहाँ से। और फर्स्ट टाइम ऑन बाइक, मैं तो सोलो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। कार से मैंने किया था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, वो भी कम था, इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन बाइक से जंगल, अरे यार ये अलग सा एक्सपीरियंस आ गया है मुझे तो। और समझ में ये आ रहा है कि बाइक जो है किसी भी हालत में हम रोकेंगे नहीं, किसी भी हालत में। जंगल में एंटर करने वाले हैं उससे पहले ही फ्यूल अप करें, जो कि मैंने किया ऑलरेडी।
और हमारा रेंज जो है 217 है अभी भी। सो फ्यूल अप करें, मेक श्योर कि टायर पंचर वगैरह वाला ना हो, अगर थोड़ा बहुत भी पत्थर वगैरह लग जाता है तो फिर दिक्कत आ जाएगा, बट अगर ग्रुप में है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो मैनेज हो जाएंगी सारी चीज़ें। एक अच्छा एक्सपीरियंस, खाना नहीं खाया लेकिन पेट भर गया जैसे ही मैंने यहाँ से राइड किया। हम जैसे ही गोवा जाएंगे ना, मुझे एक डायलॉग बोलने का है, आप कमेंट करके बताइएगा कि मुझे कौन सा डायलॉग बोलने का है। बहुत फेमस डायलॉग फ्रॉम अजय देवगन की मूवी का एक्चुअली। को तो जाने का है ही, लेकिन ये अलग सा एक्सपीरियंस। अब सूरज की किरणें सीधे मेरी आंखों पे, देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मुझे, बट कोई नहीं, जैसे ये चैलेंज एक्सेप्ट करके कंप्लीट किया, ये चैलेंज भी एक्सेप्ट किया है और कंप्लीट करेंगे। और भी बहुत सारी चैलेंजेस हैं जो कि हमें आगे आएंगी, हमने हर एक चैलेंज को एक्सेप्ट किया हुआ है, पता नहीं है वो चैलेंजेस है भी क्या है वो, लेकिन हमने हर एक चैलेंज को एक्सेप्ट किया हुआ है और आगे बढ़ते रहेंगे, बस किसी को तकलीफ ना हो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। मेड़ा GoPro का तीसरा बैटरी जो है वो हमने लगाया हुआ है, दो बैटरीज डेड हो चुकी हैं और एक है जो फुल्ली चार्ज है। शाम के 4:08 हो चुके हैं, गोवा ये वर्ड देखने के लिए तरस गए हैं हम, खासकर हमारी आंखें। नाउ ऐसा कुछ रोड है, लेट्स एंजॉय दैट करवी रोड अगेन। अभी पता नहीं आगे क्या है, बट मैंने जितना भी कवर किया अच्छा लगा, एक अलग सा एक्सपीरियंस मुझे आ चुका है। आई होप कि आपको जो व्लॉग है वो अच्छा लग रहे हैं। तो मैंने सोचा है कि मल्टीपल पार्ट्स में जो है मैं अपलोड करूं बेस्ड ऑन डे, नंबर ऑफ डेज, तो हर दिन के लिए मैं वीडियो के पार्ट्स बनाऊंगा, Part 1, Part 2, Part 3, समथिंग लाइक दैट, और उसके हिसाब से हम अपलोड करते रहेंगे। शायद मैं बोल सकता हूँ कि हमने जो जंगल है वो कवर कर लिया है। एक बार थोड़ा सा, ओह माय गॉड, यहाँ पे रुकता हूँ एक मिनट के लिए बस खाली, और पीछे मुड़ के देख लेता हूँ। ओह माय गॉड, सो ये हमने कवर कर लिया, बहुत बड़ा जंगल था, बहुत बड़ा। और ये हमारा लगेज, थोड़ा सा बैग पीछे वाला थोड़ा सा आगे आ रहा है, बट नो वरीज, टाइट है, बहुत टाइट है और सब कुछ ठीक है अभी तक। तो मैं आगे थोड़ा सोच रहा हूँ चाय पीने का, और चाय पीने के बाद मैं आपको फिर से बाइक पे मिलता हूँ।